पीएम मोदी द्वारा देश के नए संसद भवन के उद्घाटन किए जाने के ऐलान के बाद से ही विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। विपक्ष को लग रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कर पीएम मोदी नया इतिहास रच देंगे और इससे बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दल जमकर सियासत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह ने विपक्षी परंपरा को निभाते हुए नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपमान का आरोप लगाया है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। उन्होंने नई संसद के शिलान्यास कार्यक्रम में भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाने का जिक्र किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों नहीं करवा रहे। देश भर का SC और ST समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। वहीं सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की मानसिकता हमेशा से दलितों और आदिवासियों के खिलाफ रही है। मोदी जी ने दो राष्ट्रपतियों का अपमान किया, शिलान्यास में और उद्घाटन में नहीं बुलाया महामहिम को। दरअसल विपक्ष ने संयुक्त रूप से बहिष्कार की घोषणा की है। विपक्षी नेताओं को तो पीएम मोदी द्वारा नई संसद भवन के उद्घाटन से तकलीफ हो रही है, लेकिन अब सवाल है कि केजरीवाल समेत विपक्षी दल के CM अपने राज्य में कितने सरकारी योजनाओं या सरकारी कामों का उद्घाटन राज्यपाल और LG से करवाते हैं। वहीं जब विपक्षी दल के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था, तब विपक्ष ने क्यों नहीं आवाज उठाई थी? क्यों कांग्रेस और दूसरे दलों ने उस वक्त चुप्पी साध ली थी? वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता और उनके नेता राष्ट्रपति का अपमान न किए होते, तब कांग्रेस की दलीलों में दम होती। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे नई संसद भवन बनवाने का क्रेडिट मोदी ले जाएंगे, इसलिए विपक्ष ये दांव चलकर हाय तौबा मचा रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से निकले केजरीवाल साहब की नज़र में कुछ दिन पहले तक कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी थी। CM केजरीवाल और आपकी राजनीतिक फसल कांग्रेस के राजनीतिक जमीन पर ही लहरा रही है। कांग्रेस के जो कल वोटर थे, आज वो केजरीवाल और आपके वोटर हैं। शायद यही कारण है कि दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता विपक्षी एकता शंखनाद के बीच भी केजरीवाल के विरोध में खड़े हैं। दिल्ली से होते हुए गुजरात तक कांग्रेस की राजनीति को जितना भाजपा ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे अधिक आपने हाल के दिनों में पहुंचाया है। आपकी अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो उसकी राजनीतिक कांग्रेस विरोध की ही रही है। लेकिन इन तमाम विरोधाभासी महत्वाकांक्षाओं और हितों के बावजूद भी आपके कट्टर ईमानदार संयोजक को कांग्रेस से भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण परहेज नहीं रहा है। CM केजरीवाल अब अपनी राजनीति साधने के लिए कांग्रेस से पींगे बढ़ाने लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन के लिए CM केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने की बात कही है। केजरीवाल बंगाल के CM ममता बनर्जी से लेकर NCP चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार जैसे विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। इन नेताओं से समर्थन मिलने के बाद अब केजरीवाल को कांग्रेस से उम्मीद है। ऐसे में केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी से भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने और संघीय ढांचा पर हमले और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस कांग्रेस को केजरीवाल ने भ्रष्ट बताकर अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था और उस वक्त केजरीवाल के पास कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सबूत भी थे, केजरीवाल घूम घूम कर दिल्ली की जनता से ये कहते थे कि जी हमें एक मौका दे दो, मैं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दूंगा, मेरे पास उनके भ्रष्टाचार के इतने सबूत है कि वो बचने वाले नहीं है। लेकिन अब केजरीवाल खुद घिरे तो पलटी मारकर उसी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए बेचैन है। ऐसे में केजरीवाल के यू टर्न लेने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा था कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल नेताओं के नामों की सूची लेकर घुमा करते थे, उनको भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते थे, लेकिन आज वो उन्हीं नेताओं को गले लगाने को तैयार हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहने वाले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल फिलहाल मोदी सरकार के नए अध्यादेश के खिलाफ
विपक्ष से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अब समझ आ रहा है कि केंद्र के नए अध्यादेश से केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं और क्यों अधिकारियों पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। दरअसल केजरीवाल का विलास भवन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले एक महीने से केजरीवाल के आधिकारिक निवास स्थान पर हुए खर्च का मामला दिल्ली की राजनीति की धुरी बना हुआ है। जो तत्कालीन आंदोलनकारी ये कहते नहीं थकते थे कि हमें चमक धमक की कोई जरूरत नहीं है, वो आज के कथित कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल गुर्बत का गहना पहन के इतरा रहे हैं। खैर, विलास भवन में हुए खर्च की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है खबर बताते हैं आपको। दरअसल ऑपरेशन शीश महल सीरीज के तहत एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसमें दिल्ली सचिवालय का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। दावा किया गया है कि दिल्ली सचिवालय में देर रात को फाइलें इधर से उधर की जाती है। फुटेज में दिखता है कि रात करीब 2 बजे कुछ लोग आईएएस राजशेखर के कक्ष में घुसकर फाइलों के बंडल को इधर से उधर करते हैं। वीडियो में 3 संदिग्ध राजशेखर के कैबिन कमरा नंबर 403 से निकलते हैं। ये संदिग्ध देर रात 2 बजे से 2:36 के बीच उनके कैबिन में रहते हैं। फिर वहां से वे कुछ फाइलें लेकर निकलते हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वो फाइलें लेकर कहां गए। दिल्ली सचिवालय के अंदर का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें रात के करीब 2 बजे 3 संदिग्ध दबे पांव एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 16 मई 2023 का है। ऑपरेशन में दावा किया गया है कि 3 संदिग्ध राजशेखर के कमरे से फाइलें उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज विजिलेंस विभाग के कॉरिडोर का बताया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर रात में 2 बजे फाइलों को इधर से उधर करने की क्या जरूरत पड़ गई। बता दें कि राजशेखर वही अधिकारी हैं जिन्हें केजरीवाल के शीश महल में भ्रष्टाचार की जांच का काम सौंपा गया था। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश पर राजशेखर से उनका सारा काम छीन लिया गया था, उनसे फाइलें भी ले ली गई थी। वहीं राजशेखर ने खुद खुलासा किया था कि उनके कमरे में कुछ लोग घुसकर फाइलों को ले गए थे। ऐसे में इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी के पास कोई जवाब नहीं है। भारत की राजनीति में हमेशा से ये दौर रहा है कि जब समय आए तब ब्याज सहित चीजें वसूल लो। ऐसा ही कुछ दिल्ली के कथित कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल साहब के साथ भी हो रहा है। जो केजरीवाल अपने आंदोलन के दौरान कांग्रेस को कोसते नहीं थकते थे, आज वही राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिससे केजरीवाल बड़ी ही असहज स्थिति में आ सकते हैं। जो केजरीवाल कभी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताकर उस पर हमला करते थे, आज वही केजरीवाल कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो गए हैं और कांग्रेस केजरीवाल को आईना दिखाने में लग गई है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश और राजनीतिक हालात पर चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और मौका पर चौका मारते हुए कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा करना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं राजनीतिक जानकारों की नजरें कांग्रेस के रुख पर है, क्योंकि पार्टी के कई नेता आपसे संभावित मेल मिलाप का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी से भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने और संघीय ढांचा पर हमले और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं कांग्रेस से आधिकारिक प्रतिक्रिया आने से पहले दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने एक शर्त रख दी है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं से माफी मांगनी चाहिए। वहीं अलका लांबा ने यह भी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना को भी ध्यान में रखेंगे। कभी आम आदमी पार्टी की नेता रही अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ काफी मुखर होकर बोलती है। अलका लांबा की तरह पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माखन भी आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह की दोस्ती के खिलाफ हैं। वो लगातार कई दलीलों के साथ पार्टी से अपील कर रहे हैं कि केजरीवाल से दूरी बनाकर रखी जाए। अजय माकन ने अपनी बात पर जोर देते हुए ये दलील दी थी
कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के लिए प्रस्ताव पास किया था। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस खुलकर हमला बोल रही है। केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ फ्रंट फुट से खेल रही है। देश को 28 मई के दिन अपनी नई संसद मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद समर्पित करेंगे, लेकिन मोदी का विरोध करने के नाम देश की संसद का अपमान करने में देश का विपक्ष लगा हुआ है। जहां एक ओर देश के पीएम लाल किला के प्राचीर से ये कहते हैं कि हमें देश को गुलामी की मानसिकता से दूर करना है, तो वहीं दूसरी ओर देश के विपक्ष गुलामी की मानसिकता और संवैधानिक मूल्यों का अपमान करते नजर आ रहे हैं। देश के 20 विपक्षी दलों ने नए संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है, लेकिन बॉयकॉट करने वाले विपक्षी दल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्षी दल अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, क्योंकि 20 विपक्षी दल तो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को 20 के बजाय 25 दलों का समर्थन प्राप्त हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस समेत 20 मोदी विरोधी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी कर नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान हिस्सा नहीं लेने की बात कही है। वहीं 20 पार्टियों के बहिष्कार के बाद सरकार के फैसले के पक्ष में अब 25 पार्टियां हो गई हैं, जो 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगी। एनडीए के इतर 25 पार्टियां रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जाने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। विपक्षी दलों के आह्वान को धता बताते हुए इन पार्टियों ने समारोह में हिस्सा लेने की बात कही है। इनमें से कई पार्टियों का न तो प्रतिपक्ष रूप से भाजपा या विपक्षी गठबंधन में से किसी भी खेमे से संबंध है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एनडीए के सदस्य न होते हुए भी आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस की तरह मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी भी सरकार के कार्यक्रम में शामिल हो रही है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी सरकार का समर्थन किया है। अब बॉयकॉट गैंग से ज्यादा राजनीतिक दल मोदी सरकार के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा कि लगता है फोन पहुंच गया बहन जी के पास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मोदी सरकार के बचाव में मैदान में। यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई। तो देखा आपने कैसे विपक्ष का कुनबा कमजोर हो गया है। बॉयकॉट वाले 20 पार्टियां हैं तो सरकार के समर्थन में 25 पार्टियां खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।